है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। कर प्रभो आदिनाथ मुनिना आदि व्याधि अघ मद मिटे तुम पद में मम मां चरण शरण है आपके तारण तरण जहाँ भव तटी तट तक ले चलो करुणा कर ऋषिरा करुणा कर गुरुरा। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम सौभाग्य हम लोगों का कि हम संसार में दुर्लभ चीज पांच है, एक भव्यपना, दूसरा कर्म भूमि में जन्म और तीसरा मनुष्यता और चौथा स्वस्थ शरीर और पांचवा उत्तम कुल। ये सौभाग्य से हमें मिले हैं और उससे ज्यादा परम सौभाग्य सबसे दुर्लभ चीज है गुरु के चरण। शब्द बाहर नहीं आता। क्योंकि इस पंचम काल में सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने एक बार प्रवचन में बताया था, जिन्होंने सौ की खोज की है वही संसार में गुरु हो सकते हैं। और ऐसे परम सौभाग्य से गुरु मिले हैं। लोग मुझे पूछ रहे थे कितने साल हुआ, लेकिन मैंने साल नहीं गिना क्योंकि आचार्य महाराज ने मूलाचार्य के क्लास में शिष्य की व्याख्या बताई थी। कई लोग दूर होकर पास रहते हैं, कई लोग पास होकर दूर रहते हैं, और दूर वाले दूर रहते हैं, पास वाले पास रहते हैं। मैं सौभाग्य समझता हूँ गुरु का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त हुआ दक्षिण की ओर जाने का। और आचार्य महाराज जी ने मुझे दो या तीन सूत्र दिए थे और उसी के सूत्र पर मैंने काम किया। एक सूत्र था धर्म के पात्र बनाओ, धर्म टिक जाएगा। दूसरा, मिट्टी बहुत मुलायम है, आकार देने वाला चाहिए। और अपनी चर्या मैं बताता हूं, मैं इतना दूर रहकर भी ऐसी चर्या पाला है मैंने, मुझे गर्व है कि जो गुरु ने बताया था वही बाहर रखकर मैंने वहां किया। और मेरा
प्रभावना जी शासन की हमें प्रवचन से ज्यादा मैंने आचरण के द्वारा चर्या के द्वारा किया। और गुरु जो सूत्र दिए थे उसी सूत्र को लेके दक्षिण में इतना जैन शासन की प्रभावना हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि जहां सम्यक दर्शन शब्द का ज्ञान नहीं था, वहां जैसे गुरु महाराज ने कहा था मिट्टी मुलायम में आकार देने वाला चाहिए, इसी दृष्टि को इसी लक्ष्य को लेके हमने और महाराज जी साहब महाराज जी भी साथ में थे इतना कार्य किया कि मैं जब रामटेक से निकल गया था और आचार्य महाराज ने जो कहा था मैंने एक दिन भी शांत नहीं बैठा, प्रत्येक गांव में शिविर लेता गया सम्यक दर्शन संस्कार शिविर। और कुंभोज भवनी में 3000 लेडीज और 2000 जेंट्स ऐसे करके 5 शिविर, इतनी बड़ी प्रभावना हो गई। और उसी का एक प्रभाव है जो गांव में चौका नहीं लगा सकता था स्वाध्याय था, अब यहाँ आकर आप देख रहे हैं लोग, और ये सब गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद से एक 300 करोड़ का कत्तलखाना, जो मुंबई में देवनार में 3 मशीन है लेकिन सांगली जिले में 300 करोड़ का कत्तलखाना बनने वाला था 81 एकड़ में, लेकिन मैं जब 2 अक्टूबर को अहिंसा रैली निकाला और आचार्य महाराज के आशीर्वाद से 300 करोड़ का 81 एकड़ का कत्तलखाना भी बंद हुआ, इस वर्ष में लगा आचार्य महाराज। और सबको मालूम होना चाहिए भारतीय संत सभा एक हो गई, आचार्य महाराज जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ डोंगरगढ़ से कि आपको वहां जाना है। मैं पहला डर गया क्योंकि जहां 250 पूरे भारत से संत आए थे, और उसमें जब मैं गुरु महाराज ने पहला मैं सोच रहा था जाना क्योंकि आयोजन उनका था, अपने पद का गौरव रहता क्या नहीं, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा तुम जाओ सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 250 साधु थे लेकिन सबसे ऊंचा आसन बनाया था, और अशोक सिंगल जी ने कहा कि भारतीय संत सभा में पहली बार दिगंबर साधु आए तो आचार्य विद्यासागर जी के आगे। और ऐसी प्रभावना करते हुए और आचार्य महाराज जी ने जो भी, मैं एक तीसरी उदाहरण बताना चाहता हूँ, आचार्य महाराज ने गांव का मुझे नाम बताया चतुर्मास के लिए जाना, ये सबको जानकारी होना चाहिए और आचार्य महाराज जी को भी नहीं बताया इसकी मैं बताना चाहता हूँ। उस गांव में मैं गया 10 या 8 दिन था कम चतुर्मास में, और उस दूसरे गांव के लोग नारियल चढ़ाते गए और उस गांव के किसी नारियल, तो मैंने सोचा आचार्य महाराज ने यहाँ भेजा है हमें और इनको कभी 3-4 साल किसी ने चढ़ाया होगा नारियल। गुरु गुरु करुणाधार। और आचार्य महाराज जब मैं वहां गया तो हमने सोचा भी यहाँ चातुर्मास तो करना है, हमें संदेश भेजा आचार्य से, यहाँ माहौल नहीं इसलिए तो भेजा है। तो अब मैंने सोचा नेमी सागर जी कहा अब आचार्य महाराज जी का आशीर्वाद है यही चातुर्मास करना है और ये नारियल नहीं चढ़ा रहे अब विहार करेंगे। महाराज ने क्यों अब माहौल बनाना पड़ेगा, तो विहार करने के बाद दूसरे तीसरे गांव में लोग नारियल चढ़ाने को दूसरे गांव के चढ़ाए, लेकिन हमने नहीं चढ़ाए, तो पूरा समाज 3-4 गांव पूरा परिक्रमा किया माहौल बन गया, बाद में प्रवेश उसी गांव में किया आचार्य महाराज ने कहा था। और ऐसे मैं बताना चाहता हूं कि मैं सौभाग्य समझता हूं कि ऐसे जैन धर्म में उत्तम कुल में जन्म होने के बाद भी जब मुक्तागिरी में गुरु महाराज ने दीक्षा दी तब ये ही कहा था कि कभी भी याद रखना, मैंने जब दोपहर को गुरु महाराज जा रहे थे मैं कहा था आचार्य महाराज ने पूछा था सामने क्या दिखता है, हमने कहा था पहाड़ दिखता है, आचार्य महाराज ने कहा और क्या दिखता है, तो मैंने कहा हरियाली बहुत अच्छी दिखती है। तो बाद आचार्य महाराज ने कहा मुझे मालूम है ना, तो आचार्य महाराज ने कहा था और क्या दिखता है, तो हमने कहा प्रश्न में समझ नहीं पाया, तब आचार्य महाराज ने एक सूत्र मुझे दिया था जो मैं नमोकर मंत्र वाला ज्यादा ज्ञान अपने पास है ही नहीं,
तब, क्योंकि आचार्य महाराज जी को जब मैं दीक्षा मांग रहा था, आधा प्रवचन मैंने हिंदी में किया, जब समझ में नहीं आ रहा तो आचार्य महाराज जी ने मराठी में बोला तो आपने मराठी में और बोला, और तब आचार्य महाराज जी ने मुझे कहा था, जीवन में कभी नहीं भूलना इसमें हम थे, कहां हरियाली में हम भी कभी उसमें थे, कौन से पुण्य से यहाँ आए और आपने संयम को धारण किया, इसको नहीं भूलना, और इसी भाव को लेकर और अभी तक आशीर्वाद आज गुरु महाराज का मिलता रहा और मिलता रहेगा। और मैंने आचार्य महाराज बीच में कहा था, अंतिम सांस तक जिन शासन के प्रभाव नाम करेंगे और आपका आशीष बना रहे, और गुरु महाराज का सदा आशीष मिलता रहा और उसी का अनेक प्रभाव न हुए। और कई दिन सोच रहा था, और इस समय 16 चतुर्मास होने के बाद निर्यापक श्रीमान मुनिश्री योग सागर जी के सानिध्य में 17वां चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला, और ये भी है कि निर्यापक श्रीमान मुनि योग सागर जी का पहला चतुर्मास महाराष्ट्र में निर्यापक होते हैं। और इसी भाव को लेकर मुक्तागिरी में आ गए, आदेश नहीं आ रहा था तो सोच रहे थे क्या होता है क्या पता, और हमें लेकिन जैसे सागर का बूंद कितने भी दिन अलग हो लेकिन बूंद भी जानता है सागर के पास कितनी करुणा और युक्ति है, और उसी कारण 3.5 करोड़ मुनि महाराज जहाँ से मोक्ष गए वहाँ से यात्रा दीक्षा स्थली से यहाँ गुरु के चरणों तक आ जाए, यहाँ 5.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ मुनिराजों के जो निर्वाण स्थली थी वहाँ से निकल गए, अब यहाँ 5.5 करोड़ मुनि महाराज के इस सिद्धोदय क्षेत्र पर आए। और आज का दिन मुझे लग रहा था कि शब्द, क्योंकि जब भी आचार्य सिंह का दीक्षा दिवस जो भी गुरु परिणाम माना है मैं बोल नहीं पाता था, मैं रुक जाता था, लेकिन आज चरणों की विशेषता है, आज मैं प्रवचन सामने पहली बार इतना कर रहा हूँ, और यही भावना भाती कि महाराज जी का भी सानिध्य बहुत अच्छा मिला हमें, और गुरु का भी जो भी हमें आदेश मिला था वे कार्य करते आए, और ऐसी आचार्य सिंह की सदा कृपा बना रहे, और हमें विश्वास है बीच में थोड़ा सा विकल्प हुआ था स्वास्थ्य के कारण, लेकिन बाद में हमें विश्वास है कि जिन शासन में अभी तक का कार्य कर्मों के जो कर्म रहता है उसी कारण, क्योंकि आचार्य महाराज का स्वास्थ्य का जब बीच में स्वास्थ्य था गड़बड़, पूरा देश ने पूरा विश्व इसमें जाप किया है, और उसी सद्भावना के कारण, क्योंकि जब आचार्य महाराज रत्नगर श्राव का आचार्य पढ़ा रहे तब कहा था जितनी सद्भावना होती है उसकी उतनी अनुसार ही जिन शासन की प्रभावना और जिन शासन में प्रभावना करने वाले लोगों का भी आगे का कार्य होता है, और ऐसे गुरु के चरणों में एवडी इतनी भावना बाता हूँ कि आपके इस आदेश और जितना हमने कार्य किया था थोड़ा सा आपके चरणों के आपके आदेश के कारण क्या ऐसी कृपा बना रहे आयुषा परमधर्म।